नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे उन पांच प्लेयर्स की जो कि केन विलियमसन से सनराइजर्स हैदराबाद की कैप्टनशिप दे सकते हैं। तो उसमें सबसे नंबर वन पे आते हैं अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, साथ ही साथ वो इंडियन प्लेयर भी हैं। इंडियन प्लेयर हैं तो सारा मैचेस खेलेंगे, तो एक कैप्टन को हर मैच खेलना चाहिए। तो उस लिहाजे से देखा जाए तो अभिषेक शर्मा भी बहुत बड़े दावेदार हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं जेसन होल्डर। जेसन होल्डर का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा हैदराबाद की ओर से, हालाँकि लास्ट IPL में हैदराबाद की टीम उन्हें नहीं ले पाई थी क्योंकि उनको ऑक्शन में काफ़ी हाई प्राइस पे लखनऊ सुपर जाइंट्स ने ले लिया था, लेकिन इसे रिलीज़ कर दिया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जेसन होल्डर को वापस हैदराबाद पिक करने का पूरी कोशिश करेगी और उन्हें भी अपना कैप्टन बना सकती है। तीसरे नंबर पे आते हैं हैदराबाद के मोस्ट रेगुलर और मोस्ट सीनियर प्लेयर हैदराबाद की ओर से खेलते हुए, जिन्होंने काफ़ी सीजन खेला है हैदराबाद की ओर से, और वो और कोई नहीं बल्कि भुवनेश्वर कुमार है। सीनियर इंडियन पेसर बॉलर हैं, साथ साथ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हैदराबाद की पिचेस पे काफ़ी लंबे समय से खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी भी है, तो इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट रहेंगे हैदराबाद के इस सीज़न के IPL के कैप्टन के लिए। चौथे नंबर पर आते हैं ऐसे प्लेयर जिसको हर टीम आँख लगाई हुई है कि हाँ, इनको अपनी टीम में रखना है, इस बार अपनी टीम में कैसे भी करके लेना है। बेन स्टोक्स को लेने का पूरी कोशिश करेगी हैदराबाद की टीम भी। अगर बेन स्टोक्स हैदराबाद की टीम में आते हैं तो 99% चांसेस रहेगी कि हैदराबाद के कैप्टन और कोई नहीं बल्कि बेन स्टोक्स ही रहेंगे, क्योंकि बेन स्टोक्स काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं T20 फॉर्मेट में और एक विनिंग प्लेयर है, तो हैदराबाद उन्हें अपना कैप्टन बना सकती है। पांचवें नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर एडम मार्कन। एडम मार्कन का काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया सीज़न रहा है लास्ट सीज़न हैदराबाद की ओर से, और एक सीनियर इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, तो हैदराबाद उन्हें अपना कैप्टन बना सकती है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस उनके पास, काफ़ी अच्छा सीनियर भी हैं, तो इसलिए उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है, इस चीज़ का प्रिविलेज मिल सकता है और उन्हें साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर को हैदराबाद अपना कैप्टन बना सकती है। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे ही कैप्टन फाइनल होगा उसकी भी वीडियो बना के मैं आपके लिए ज़रूर लाऊंगा। थैंक यू फॉर वीडियो।